हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसआरजी स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआरजी स्टडी में। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, हिंदी सीरीज में हम लोग आज एक कवर करने वाले हैं काव्य खंड का चैप्टर नंबर 3 है सवैये, जो कि सवैये और कवित्त के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बहुविकल्पी होंगे और अति लघुत्तरी प्रश्न होंगे। रसखान द्वारा रचित है एक कवित्त सवैये और कवित्त। इससे पहले हमने दो पार्ट देख लिया था, ये आपका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हम लोग अभ्यास प्रश्न करेंगे, जिसमें हम अति लघुत्तरी और बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके पेपर में एक नंबर का पूछा जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आएगी तो उसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। सो प्रश्न नंबर 1 है, रसखान जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो उत्तर में लिखेंगे, रसखान जी का जन्म सन 1548 ईस्वी को ईस्वी में दिल्ली के आसपास हुआ था। प्रश्न नंबर 2 है, रसखान जी किस काव्यधारा एवं किस भक्ति शाखा के कवि थे? तो उत्तर में लिखेंगे, रसखान सगुण काव्यधारा की कृष्णाश्रयी शाखा के कवि थे। ध्यान में रखेंगे कैसे इनकी, रसखान जो थे सगुण काव्यधारा के और कृष्णाश्रयी शाखा के कवि थे। प्रश्न नंबर 3 है, रसखान हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित कवि हैं? तो उत्तर में लिखेंगे, रसखान हिंदी साहित्य के रीतिकाल से संबंधित कवि है। किस काल से है? हिंदी साहित्य के रीतिकाल से संबंधित कवि हैं। प्रश्न नंबर 4 है, रसखान कवि का मूल नाम क्या है? तो इनका मूल नाम क्या है? तो ध्यान में रखेंगे, रसखान कवि का मूल नाम है सैयद इब्राहिम, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 है कि रसखान के गुरु का क्या नाम था? तो ध्यान में रखेंगे, रसखान के गुरु का नाम था गोसाई विट्ठलनाथ। अगला प्रश्न है, कवि रसखान की 2 प्रसिद्ध रचनाओं के नाम बताइए। तो ध्यान में रखेंगे, कवि रसखान की 2 प्रसिद्ध रचनाएं निम्नलिखित हैं। पहला तो इनका है सुजान रसखान, दूसरा है प्रेम वाटिका। प्रश्न नंबर 7 है, कवि रसखान की सभी कृतियों का संकलन किस रचना में किया गया है? तो उत्तर में लिखेंगे, कवि रसखान की सभी कृतियों का संकलन रसखान रचनावली रचना में किया गया है। प्रश्न नंबर 8 है, रसखान जी ने अपनी रचना में किस प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग किया है? तो उत्तर में लिखेंगे, रसखान जी ने अपनी रचना में सरस सुबोध एवं सहज ब्रज भाषा तथा सरल और परिमार्जित शैली का प्रयोग किया है। प्रश्न नंबर 9 है, रसखान जी ने अपनी कविता में किस प्रकार के छंदों को अपनाया है? तो उत्तर में लिखेंगे, रसखान जी ने अपनी कविता में कवित्य सवैया और दोहे छंदों को अपनाया है। और लास्ट प्रश्न इसका है अति लघुत्तरी प्रश्नों का, रसखान जी की मृत्यु कब हुई थी? ध्यान में रखेंगे, इनकी मृत्यु सन 1628 ईस्वी में हुई थी। अब अगले पार्ट में हम देखेंगे इसी में बहुविकल्पी प्रश्नों को। पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का। प्रश्न नंबर 1 है, रसखान किस काल से संबंधित है? तो उत्तर में लिख के ऑप्शन दे रखा है, 4 ऑप्शन के साथ चलेंगे हम लोग, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7, बिल्कुल सही है, रीतिकाल। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, रसखान की कवि रचनाएं किस काव्यधारा के अंतर्गत आती हैं? पहला ऑप्शन है रामाश्रयी काव्यधारा, दूसरा है कृष्णाश्रयी काव्यधारा, तीसरा है प्रेमाश्रयी काव्यधारा, चौथा है ज्ञानाश्रयी काव्यधारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल सही है, कृष्णाश्रयी काव्यधारा। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना कवि रसखान द्वारा रचित नहीं है? पहला ऑप्शन है प्रेम वाटिका, दूसरा ऑप्शन है सुजान रसखान, तीसरा है दीपशिखा और चौथा है इसमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 7 बिल्कुल सही है, दीपशिखा रसखान द्वारा रचित नहीं है। जबकि आप तो ऊपर वाले जो देख पा रहे होंगे, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान, ये रसखान द्वारा रचित रचनाएं हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4 में। प्रश्न नंबर 4 में पहला प्रश्न है, सॉरी, प्रश्न नंबर 4 में पूछ रहा है कि कवि रसखान ने किस भाषा में काव्य रचना की है? पहला ऑप्शन है फारसी भाषा में, दूसरा है अवधी भाषा में, तीसरा अरबी या चौथा है ब्रज भाषा।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, बिल्कुल सही है, ब्रज भाषा में। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे काव्य संदर्भ से या व्याकरण से है, तो आइए उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्रश्न नंबर एक है, पूछा जा रहा है निम्नलिखित पंक्तियों में अलंकार रस व उसके स्थायी भाव की विवेचना कीजिए। पहला यहाँ पे पंक्ति दे रखी है, मानुष हो तो वही रसखानी बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चतो नित नंद की धेनु मंझारन। तो इसमें अगर बात करते हैं अलंकार की, कौन सा अलंकार प्रयोग हुआ है, अनुप्रास अलंकार, रस है भक्ति, स्थाई भाव देव विषयत रति है। अगला पॉइंट है, तेल लगाई लगाई के अंजन भवे बनाई बनाई डिढ़ो नहीं। अलंकार की बात करते हैं तो पुनरुक्त प्रकाश अलंकार हुई है। लगाई लगाई में आप देख पा रहे होंगे दो बार इसमें रिपीटेशन हुआ है, पुनरुक्ति हुई है, इसलिए यहाँ पे पुनरुक्त प्रकाश अलंकार होगा। रस वात्सल्य है, यशोदा माता अपने बच्चे को लाड प्यार से तेल लगा करके उनके भावों को संभाल रही हैं, साथ साथ में उनके माथे पे काला टीका भी कर रही हैं। ढिढ़ौना मतलब होता है टीका लगाना। स्थाई भाव की बात करते हैं तो संतान और विषयक रति हो जाएगा। काग के भाग्य बड़े सजनी हरि हाथ से लिए गए माखन रोटी। इसमें अलंकार की बात करते हैं तो अनुप्रास अलंकार है, रस भक्ति रस है, स्थाई भाव देव विषयत रति है। मोहिनी ताननी गोधन गावत बेनु बजाई रिछाई गयो हैं। इसमें अलंकार है, अनुप्रास अलंकार, रस है श्रृंगार, स्थाई भाव रति। अगला है, या मुरली मुरली धर की अधरारन धरी अधरा ना धरोगी। अलंकार की बात करते हैं तो अनुप्रास एवं यमक दोनों अलंकार हैं। एक अधरारन के मतलब होता है होठों पर रखने के लिए, अधरा अधरा ना अधरा नाक के लिए होठों पे नहीं, इसलिए दो अर्थ हो जाते हैं यहाँ पे, इसलिए यमक अलंकार हो जाता है। और मुरली की बात करते हैं, मुरली मुरलीधर माँ वर्ड की आवृत्ति यहाँ पे बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। रस की बात करते हैं तो श्रृंगार रस है, स्थाई भाव है। श्रृंगार भाव का श्रृंगार रस का हमेशा स्थाई भाव क्या होता है, रति होता है, आपको मालूम होना चाहिए। आगे के जो प्रश्न थे आपके यहाँ पे करा दिए गए हैं जो सेकंड पार्ट में, और फिलहाल यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी, यदि वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।